एक गांव में एक रामलाल नाम का सपेरा रहता था और रामलाल के पास एक जमुना नाम की नागिन थी। वो जमुना को गली गली नचाता, उसका खेल दिखाता और वहां पर कुछ पैसे कमाता, जिससे उसकी जिंदगी का गुजारा चल रहा था। बस बस रामलाल, बस बहुत हो चुका, अब मैं थक गई हूँ, अब बीन बजाना बंद करो। नहीं जमुना नहीं, अभी तो सब खेल देखने के लिए आएंगे और मेरे पास पैसे आएंगे। नाच जमुना नाच। नहीं सपेरे, बस अब मैं थक गई हूँ। नहीं जमुना, तुझे नाचना होगा। और ऐसे कर रोज की रोज सपेरा जमुना को खूब सारा नचाता और अपने पैसों के चक्कर में उसका आराम भी नहीं देखता था। और जब जमुना नहीं नाच पाती तो उसे खूब सारा धमकाता। देख जमुना, तेरा मेरा पेट ये खेल दिखाने से ही भरता है, और तू अगर नहीं नाचेगी तो मेरा काम कैसे चलेगा। नहीं रामलाल, तुम पहले से ज्यादा लालची हो गए हो, अब तुम मेरे से ज्यादा मेहनत करवाते हो, और तुम तो जानते हो ना, अब मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ। हाँ तू जरूर बूढ़ी हो गई है, पर क्या करें, काम तो करना पड़ेगा ना। अगर तू काम नहीं करेगी तो मैं तुझे इस बोरे के अंदर बंद रख लूंगा और तेरी जगह किसी जवान नागिन को ले आऊंगा। ऐसा मत करो, मुझे बोरे में बंद मत करना, मैं खूब सारा नाचूंगी। ये सब चीजें एक राह चलता बूढ़ा आदमी देख रहा था, तो उसने रामलाल को कहा, अरे रामलाल, तू इस बूढ़ी नागिन को इतना परेशान कर रहा है, ये ठीक बात नहीं है। और वैसे भी अगर तुझे अमीर होना है तो इसके नाचने से नहीं होगा, बल्कि नागमणि से तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। हैं? वो कैसे भाई, मुझे बताओ, आखिर नागमणि कैसे मिलेगी मुझे। अरे रामलाल, तू तो भोला का भोला है। अरे तू इतना अच्छा सपेरा है, वहाँ गांव के उस पार एक गुफा है, उसके अंदर नागमणि है, तू वहाँ से नागमणि ले आ और अमीर हो जा। गुफा गांव के उस पार, तो भाई मैं जरूर जाऊंगा और मैं जरूर नागमणि लेके आऊंगा, तभी मैं अमीर हो जाऊंगा। हाँ रामलाल, पर तुझे एक बात का ध्यान रखना होगा, जो उस पार गुफा है ना, उसके बाहर एक जहरीला सांप रहता है, वो काफी जहरीला है, वो जिसको भी खा ले उसकी मौत निश्चित है। हाँ तुम चिंता मत करो भाई, तुम जानते हो ना मैं कितना पुराना सपेरा हूँ, मैंने एक से एक जहरीले नागों को देखा है, मैं अब अपने आप पता लगा लूंगा कि उस नागमणि को कैसे लाना है। रामलाल को उस आदमी की बात समझ में आ गई थी, अब वो अमीर होना चाहता था, इसलिए रामलाल ने जा बूढ़ी नागिन, तू भी जा, अब तू भी आजाद है, अपनी मर्जी से खेल खा, अब तुझे नाचने की जरूरत नहीं है। हा, 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 अब मैं तो नागमणि लेकर ही अमीर होऊंगा। ऐसा कहते हुए रामलाल गुफा की तरफ चल पड़ता है, जो गांव के उस पार थी। रामलाल जब गुफा के पास जाता है तो देखता है कि गुफा का दरवाजा बंद है। अब रामलाल वहीं पर बैठ जाता है और गुफा के खुलने का इंतजार करने लग जाता है, पर उसे सुबह से शाम हो जाती है, गुफा खुलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी वहां पर एक भयंकर सा काले रंग का जहरीला सांप आता है और रामलाल से कहता है, तुम मेरी इस गुफा के बाहर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अच्छा तू मुझे खाएगा, अभी बताता हूँ। ऐसा कहते हुए रामलाल बीन बजाना शुरू कर देता है और वो जहरीला सांप उसकी बीन की धुन पर नाचने लग जाता है। बस कर रामलाल, बस कर, अब मैं थक गया हूँ, अब इस बीन को बंद कर दे रामलाल, अब इस बीन को बंद कर दे। मैं तब तक बीन को बंद नहीं करूँगा जब तक तू बताएगा नहीं कि ये दरवाजा खुलेगा कैसे। बता, इस गुफा का द्वार कैसे खुलेगा। वो तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं बताऊंगा रामलाल, नहीं बताऊंगा। तो बस नाचता रहे। ऐसा करता हूँ, अब इसे उठाकर बोरी में डाल लेता हूँ। और रामलाल उस सांप को उठाकर अपने पिटारे में डाल देता है, तभी वो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। तो ये राज था, जब ये सांप कैद होता है तभी ये दरवाजा खुल जाता है। हा हा हा,
अब तो मजा आ गया। अब दरवाजा खुलते ही रामलाल गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर रामलाल देखता है कि एक कोने पर एक चीज चमक रही है। वो उसके पास जाकर देखता है तो वही नागमणि थी। याहू, मेरी तो किस्मत खुल गई नागमणि, अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा। रामलाल से अमीर कोई नहीं। रामलाल जैसे ही मणि के पास में जाता है तो चारों तरफ से अनेकों सांप आ जाते हैं। ये क्या इतने सांप, मुझे अपनी बीन निकालनी होगी। रामलाल बीन निकालकर बीन बजाता है, सारे सांप नाचने लग जाते हैं। रामलाल उस मणि को उठा लेता है और भाग की गुफा से बाहर निकल जाता है। कहीं ये सारे सांप मेरा पीछा ना करे, अब इस गुफा के दरवाजे को बंद करना होगा। ऐसा सोचते हुए रामलाल अपने पिटारे से उस सांप को आजाद कर देता है और तभी गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और रामलाल मणि लेकर वहां से जाने लग जाता है। तभी रामलाल के सामने एक बड़ी सी चुड़ैल आ जाती है। इस मणि की ही इंतजार में थी मैं पिछले 500 सालों से। तुमने अच्छा किया, इस मणि को गुफा से बाहर निकाल दिया। अब मैं इस मणि को लेकर और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी और ए मानव, मैं तुझे खा जाऊंगी। अरे अरे ये क्या है, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, तुम ऐसा मैं मत करो, ये मणि मुझे दे दे मानव। तभी सपेरा वहां से भागने लग जाता है और चुड़ैल सपेरे को पकड़ लेती है। इतने में बूढ़ी नागिन जमुना वहां पर आ जाती है और सपेरे को आवाज लगाती है। सपेरे, ये मणि मेरी तरफ फेंक दे, मैं बाकी खुद देख लूंगी। हाँ ऐसा ही करता हूँ, जमुना तो फिर भी मेरी अपनी है, मैं ये मणि जमुना की तरफ ही फेंक देता हूँ, ले जमुना। और तभी वो बूढ़ी नागिन जमुना उस मणि को खा लेती है और वो एक बड़े से विशाल से सोने के सांप में बदल जाती है। चुड़ैल, अब मणि की सारी शक्तियाँ मेरे पास आ गई हैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम रामलाल को यहाँ से जाने दो। ये मणि मुझे दे दे, नहीं तो मैं रामलाल को खा जाऊंगी। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, लो मैं तुम्हें अभी मणि देती हूँ। ऐसा कहते हुए जमुना अपनी शक्ति से उस चुड़ैल पर प्रहार करती है और वो चुड़ैल वहीं पर ढेर हो जाती है और रामलाल बच जाता है। रामलाल जमुना के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। जमुना, मैंने तुम्हें इतना सताया और तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर देना जमुना, जो मैंने तुम्हें इतना सताया। रामलाल, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों से हमेशा प्यार से बर्ताव करना चाहिए, तुम बहुत अच्छे हो रामलाल। ऐसा कहते हुए जमुना वहां से गायब हो जाती है।